हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स ओके इन द सी ऑफ नॉलेज। तो ये फोर्थ वीडियो है कंप्लीट लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स के फोर्थ वीडियो। तो इसमें हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर। कोई भी सर्किट आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये है वोल्टेज डिवाइडर, एचपी पेवेलियन G4 G6, ये है वोल्टेज डिवाइडर। और भी है बहुत सारे जगह में, यहाँ पे देखिए वोल्टेज, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडर, यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिवाइडर। सपोज आपके यहाँ पे एक रूम है, आपके घर में एक रूम है, ठीक है, बिल्डिंग में। तो इसको दो रूम बनाने के लिए आप क्या करते हैं, बीच में दीवार डाल सकते हैं। दीवार अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ये साइड छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा रूम छोटा रूम। हम यहाँ पे भी दीवार डाल सकते हैं, हम इक्वली भी दीवार डाल सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस साइड छोटा, इस साइड बड़ा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारा दीवार डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया रूम को डिवाइड करने का तरीका। वैसे ही अगर वोल्टेज को डिवाइड करना होता है तो कंपनी सबसे सस्ता जुगाड़ जो लगाता है वो है रेजिस्टेंस के थ्रू। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दे देगा, फिर ग्राउंड। दिस इज द सस्ता जुगाड़। और भी तरीके हैं, रेगुलेटर से स्विचिंग करके निकाल सकते हैं, एलडीओ से निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीका है वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। जैसे 20 से 3 वोल्ट लाना, 20 से 5 वोल्ट लाना, 20 से 1 वोल्ट लाना, लेकिन ये है सबसे सस्ता जुगाड़। तो इसका मेन है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ पे एक नेगेटिव वोल्टेज होना चाहिए, बीच में रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज जो होगा इसको हम बोलते हैं VCC, आपने नाम सुना होगा VCC या फिर VDD। क्या है ये VCC, क्या है ये VDD? VCC मतलब वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, VDD मतलब वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। अगर कोई BJT के थ्रू बन के आ रहा है वोल्टेज, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से बन के आ रहा है सप्लाई वोल्टेज, तो उसको हम बोलते हैं VCC, ठीक है। BJT मैं आपको दिखा दूँ, ये है BJT, ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये है BJT। और VDD क्या है, अगर MOSFET के थ्रू, फैट के थ्रू, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दोनों ही ट्रांजिस्टर है, BJT भी ट्रांजिस्टर है, MOSFET भी ट्रांजिस्टर है। हम जब ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से समझेंगे कि क्या है डिफरेंस दोनों में। तो MOSFET के थ्रू अगर कोई वोल्टेज बन के आ रहा है तो इसको बोलते हैं VDD। यह है MOSFET, यह है MOSFET। स्विचिंग सेक्शन में मैं अगर ऐसे यहाँ पे, यहाँ से अगर जो वोल्टेज निकलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे IC है, गेट है, MOSFET है, यहाँ पे कोयल से आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे एक वोल्टेज निकला है, कितना वोल्ट, 12 वोल्ट निकला है, ये देखिए बैटरी का वोल्टेज, ये हम VDD बोलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये MOSFET के थ्रू बन के आए हैं। अगर यहाँ पे मैं दो BJT लगा देता हूँ, ये BJT के थ्रू जो जो वोल्टेज बन के आएंगे इधर से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे VCC। तो इतना डीप में हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये समझना है कि किसी भी चीज़ की सप्लाई वोल्टेज को हम VCC या VDD बोलते हैं। जैसे कि रैम, रैम का सप्लाई वोल्टेज कितना होता है, DDR2 का 1.8 वोल्ट होता है, ठीक है, 1.88 वोल्ट, ये VCC या फिर VDD हो सकता है। DDR3 1.5 वोल्ट, DDR3L 1.35 वोल्ट, ऐसे होता है, ठीक है, VCC या VDD हो सकता है। आपने देखा होगा LCD स्क्रीन का जो वोल्टेज, LCD VDD लिखा होता है उसमें, LCD VDD, ठीक है। तो वो ड्रेन टू ड्रेन मतलब दो MOSFET के, MOSFET से बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं,
यहाँ पे एक निगेटिव होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा, और बीच में दो रजिस्टर होगा। रजिस्टर को हम ऐसे लिख देते हैं R1 एक रजिस्टर, R2 क्योंकि इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं, कुछ भी वैल्यू का हो सकता है ये, जैसे कि 10 किलो ओम ये हो सकता है, 10 किलो ओम ये हो सकता है, 20 किलो ओम कुछ भी, इसको हम बोलते हैं आउटपुट। इसका मैं और दो तीन तरह की डिज़ाइन में दिखा देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं हम आउटपुट। ये तीन तरह के डिज़ाइन और भी डिज़ाइन हो सकते हैं, यहाँ इसको बोलते हैं आउटपुट, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव और निगेटिव ना हो तो वो वोल्टेज डिवाइडर नहीं होगा। एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं आपकी एक साथ बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज मिलेगा, सब आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, यहाँ पे आर वन आर टू आर वन आर टू, तो हर एक का यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं। और एक चीज़ है कि मिनिमम दो रजिस्टर्स होने चाहिए वोल्टेज डिवाइडर होने के लिए, ठीक है, एक रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइडर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसे हैं और यहाँ पे सपोज आपने 5 प्लस 5 बोल्ट दिए हैं, यहाँ पे आपने +5 बोल्ट दिए हैं, ये 5 वोल्ट यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा करंट यहाँ पे सिंक होगा, ये वोल्टेज डिवाइडर नहीं है। वोल्टेज डिवाइडर होने के लिए मिनिमम 2 रेजिस्टेंस चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मैंने 10 के ओम लगाया है, यहाँ पे 10 के लगाया है, यहाँ पे सपोज +18 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे कितना होगा आउटपुट, दिस इज द क्वेश्चन, यही हमको जानना है। ये आर वन है, ये आर टू है, ये भी यहाँ पे आर वन होगा, सप्लाई के पास, ग्राउंड के पास वाला नहीं, सप्लाई के पास वाला से आर वन आर टू होता है, ये वाला आर टू, तो यहाँ पे सप्लाई कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सप्लाई है, तो इसको आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, कितना भी हो, 20 हो, 25 हो, 1000 हो, हमसे मतलब नहीं, हम 1 2 3 करके काउंट करते रहेंगे। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला है वी आउट, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज VCC या VDD, इट डज नॉट मैटर, इनटू R2। बाय R1 प्लस R2। यह है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से अगर आप इसका रिजल्ट निकालते हैं क्या होगा, 18 वोल्ट। देखिए अगर दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, 10 के 10 के, 20 के 20 के, 100 के 100 के, जितना भी है, दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे इसका आधा वोल्टेज निकलेगा, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 9 निकलेगा। कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे 18 VCC क्या है, VCC इसका 18 वोल्ट है, ठीक है, इनटू R2, R2 का वैल्यू क्या है, 10 के, 10 के मतलब 10,000, 1000 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 000 बाद में कट जाएगा, ठीक है, अब हम क्या लिख देते हैं सिर्फ, ओके, नीचे R1 का वैल्यू 10,
R2 का वैल्यू 10, ओके 18 इंटू 10 180 हज़ार, यहाँ पे भी क्या क्या होगा के, ठीक है, मतलब यहाँ पे 10,000 10,000 यहाँ पे 10,000, तो 180,000 थाउजेंड 20,000, तो 20,000 लिखने की क्या ज़रूरत है, ज़ीरो 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 कट जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो कट गया, 2 से 18 कटा 9, हमने देखा अगर दोनों अगर दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो हमेशा याद रखना सप्लाई वोल्टेज का आधा ही निकलेगा। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज डिवाइडर की आउटपुट, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, प्लस वी ए डी, ठीक है, ये वोल्टेज है एडप्टर का, वी ए डी मतलब एडप्टर का वोल्टेज, सपोज ये है प्लस 19 वोल्ट, तो हिसाब के आसानी के लिए प्लस 20 एज्यूम करते हैं, यहाँ पे कितना है 100 के, यहाँ पे कितना है 100 के, तो यहाँ पे एसी ओके कितना निकलेगा 10, मैंने अभी दिखाया कि वोल्टेज डिवाइडर के है, तो ये एसी ओके जो है इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और कहाँ पे है वोल्टेज डिवाइडर, ये देखिए, अगर ये ग्राउंड बनेगा, ये आईसी अगर यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज देगा तभी यह वोल्ट डिवाइडर कंप्लीट होगा। मैंने क्या बोला था कि दो रेजिस्टेंस और यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अगर ग्राउंड नहीं है तो वो वोल्टेज डिवाइडर नहीं है, तो ग्राउंड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, ये आईसी हो सकता है कि यहाँ पे ग्राउंड दे दे, ग्राउंड दे मतलब आईसी, आईसी के अंदर का स्ट्रक्चर आपको जानना होगा कि यहाँ पे ऑप एम्प है, ऑप एम्प होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, नॉट गेट हो सकते हैं, तो ये एसी ड्राइव जो है अगर ये निगेटिव हुआ यहाँ से, इस आईसी का लेग निगेटिव हुआ तो ये वोल्टेज डिवाइडर फुल हो जाएगा और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। इसको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये हम बाद में समझेंगे, इसको समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 100 के है, यहाँ पे 330 के है, ये R1 सप्लाई कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे जीनर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे VN है, VN प्लस 19 वोल्ट, इधर से आया, यहाँ पे आया प्लस 19 वोल्ट, ठीक है, इस पॉइंट में 19 है, प्लस 5 वोल्ट का जनर है, तो सीरीज में जनर का काम क्या है, 19 माइनस 5 यहाँ पे मिलेगा 14 वोल्ट, आपको यहाँ पे मिलेगा 14 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे 14 वोल्ट, अभी यहाँ पे कितना जाएगा, एनाबल एलडीओ, एलडीओ को एनाबल करने के लिए यहाँ पे ये देखिए एनाबल एलडीओ, ये 4 नंबर पिन पे एनाबल एलडीओ का सिग्नल जा रहा है, अगर ये वोल्टेज डिवाइडर नहीं बना, सपोज ये रेजिस्टर शॉर्ट है, सपोज ये पूरा करंट सिंक हो रहा है, पूरा वोल्टेज सिंक हो रहा है, तो ये एनाबल एलडीओ नहीं मिलेगा इसको, और यहाँ से कभी भी एलडीओ आउट नहीं होगा, यहाँ से जो इसको देखिए, यहाँ से एक एलडीओ 7 नंबर पिन में आ रहा है, वो कभी आएगा ही नहीं अगर एनाबल एलडीओ का सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा उस एलडीओ अगर नहीं आए, तो वो हम बाद में जानेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, तो इसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पे 100 किलो ओम दिया गया है, R1 का वैल्यू, यह है R1, यह है R2, 100 के 330 के, कैलकुलेशन क्या बोलता है कि V out इक्वल टू VCC मतलब 14 वोल्ट इनटू
दोनों के में है तो के काट दीजिए पहले, 300 आर टू, 330, नीचे कितना हुआ 100 प्लस 300 30, 100 प्लस 330 इक्वल टू 14 इंटू 330 क्या होता है, 14 इंटू 330 4620 4 by 4 3 0 जीरो जीरो काट दीजिए या फिर डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए, 4620 डिवाइडेड बाय 430 एंटर 10.74 इक्वल टू 10.74 वोल्टेज, 10.74 वोल्ट आपको यहाँ पे 10.74 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। मल्टीमीटर से देखिए, अगर 10.74 नहीं मिल रहा है, सपोज यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है लेकिन यहाँ पे 14 मिल रहा है, इन दैट केस क्या करेंगे, बोलेंगे कि आईसी खराब है आईसी रिप्लेस कर दें? नो, इन दोनों का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, रेजिस्टेंस 100 किलो ओम इस रेजिस्टर को उठा के, इस रेजिस्टर को उठा के फिर दोनों को चेंज करेंगे, इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे मल्टीमीटर से, इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे इसको उठा के बोर्ड से उठा के करके देखेंगे इन दोनों में से एक का वैल्यू चेंज हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है। तो आपको 330 के का वोल्ट लगाना है या यहाँ पे 100 के का लगाना है, तो ये फिर से 10.74 वोल्ट दे देगा, ठीक है। तो ऐसे हमको देखना होता है, ये है वोल्टेज डिवाइडर की कंप्लीट कैलकुलेशन। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको, आप मुझे वो पूछ सकते हैं कमेंट में। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में कभी भी अगर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस में आप ये लिखा दिखेंगे कि 4.12 के 1% टॉलरेंस लिमिट, इसको टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस क्यों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस, देखिए आप यहाँ पे लिखा है 5%, ठीक है 5%, सपोज यहाँ पे लिखा है 3.35% टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट का क्या होता है, 1% मतलब अगर ये 100 ओम है और 1% टॉलरेंस है, मतलब 99 भी वैल्यू इसका हो सकता है, 101 भी वैल्यू हो सकता है, या तो एक ज़्यादा या एक कम। तो इसका वैल्यू अगर ज़्यादा कम है, 99 से कम है या 101 से ज़्यादा है, तो ये ख़राब है, ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लिखता है कि 5% टॉलरेंस लिमिट, तो इसका मतलब है कि 95 भी चल जाएगा, 105 भी चल जाएगा, मतलब ये फ्लक्चुएट कर सकता है 95 to 105। इसी रेंज में आप कोई भी रजिस्टर को आप लगा सकते हैं, 100 मतलब ये 5 कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, 5% टॉलरेंस लिमिट, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये ज़्यादा कम हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा बढ़ गया तो इससे 105 से ज़्यादा बढ़ गया तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा टॉलरेंस लिमिट। यहाँ पे मैंने जो दिखाया, ये 3-5 की आईसी में, 3-5 की आईसी में मैंने दिखाया कि यहाँ पे अगर वोल्टेज डिवाइजर यहाँ पे काम नहीं करेगा तो यहाँ पे एनेबल एलडीओ नहीं मिलेगा, एनेबल एलडीओ नहीं मिलेगा तो एलडीओ ही नहीं निकलेगा, 3-5 आईसी से एलडीओ नहीं निकलेगा बोर्ड ऑन ही नहीं होगा आपका। आपको मालूम है कि ये एलडीओ ही जो है पावर स्विच में भी जाता है, ये जो एलडीओ है 3 वोल्ट का एलडीओ, ये सुपर आईओ में जाता है, पीसीएच में जाता है, बहुत जगह जाता है। तो ये एलडीओ नहीं ऑन होगा तो बोर्ड चालू ही नहीं होगा।
बहुत इम्पोर्टेंट। और एक मैं तेरा मेरा केस है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको एक, देखिए हाँ इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पे 20 वोल्ट, अपने 20 वोल्ट डाला है, प्लस 20 वोल्ट, ठीक है। अभी अभी तक ये बोर्ड में नहीं घुसा है, तो यहाँ पे गेट में तो ऑब्वियसली नहीं है, अभी नहीं है ये गेट में, ये मॉस्फेट ऑन नहीं है। तो ये 20 वोल्ट डायोड मोड में, यहाँ पे डायोड है तो डायोड मोड में यहाँ से यहाँ पे आएगा, कितना वोल्ट आएगा, 19.3। यहाँ पे भी 19.3 मिलेगा। ये देखिए रिवर्स बायसिंग में है, ये 19.3, 19.3 यहाँ पे रुका रहेगा। ये अभी बंद है, इसके ड्रेन में आपको 0 मिलेगा, ये सोर्स है, इसके ड्रेन में आपको 0 वोल्ट मिलेगा। अभी देखिए कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि 19 नहीं मिल रहा है बोर्ड में, हम पहले यही देखते हैं कंडीशन, ये 3521 के बोर्ड में डेल के, यहाँ तक तो 19.3 मिलता है लेकिन आगे नहीं मिलता है। आगे क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि पी चैनल, ओके पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मॉस्फेट का क्लास करना ज़रूरी है पहले, बिना मॉस्फेट के क्लास करके आप, आपको मालूम ही नहीं होगा कि एन चैनल कैसे ऑन होता है, पी चैनल मॉस्फेट कैसे ऑन होता है, ठीक है। तो ये मॉस्फेट देखिए, ये जो है ये 19.3 वोल्ट यहाँ पे रुका है, ये जाएगा तो इधर से ना, तो ये तो इसको जानने के लिए ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा पूरा कैलकुलेशन करना होगा उसके बाद। तो पहले मैं यहाँ तक रुक जाता हूँ, क्योंकि आप मॉस्फेट को बिना समझे, ट्रांजिस्टर को बिना समझे आप ये कैसे हो रहा है ये नहीं समझेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में मैं ये समझाऊँगा। बाय बाय।